दुर्गा पूजा समाप्त हो गया। पिछले 10 दिनों से जारी भक्ति और उल्लास का दौर भी समाप्त हो गया, लेकिन इन सब के बीच बाजार कराहता रहा। बाजार की स्थिति और पीड़ा बयां करती है ये रिपोर्ट। बाजार में माल पसरा था, दुकानें खुली थीं, दुकानदार ग्राहकों का इंतजार कर रहे थे, लेकिन ग्राहक दुकान से दूर थे। जो आए वो महज खाना पूर्ति करके चले गए। राजधानी रांची में दुर्गा पूजा के दौरान कपड़ा बाजार कराहता रहा, साथ ही जूते चप्पल के बाजार भी अपनी पीड़ा से दुखी होते रहे। दुर्गा पूजा के दौरान व्यापारियों को उम्मीद थी कि उनकी दुकानदारी रंग लाएगी, बाजार में पैसा आएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एक तो बारिश, दूसरी ऑटो सेक्टर में आई मंदी का असर सीधा व्यापार पर दिखाई पड़ा। दुकानदारों का मानना है कि दुर्गा पूजा की दुकानदारी ने उन्हें बहुत हद तक निराश किया। नहीं, हम तो खुश हैं, हम मतलब के हमारा दुकानदारी ठीक रहा, लेकिन जो रिपोर्ट है मार्केट का, सर्वे का जो रिपोर्ट है ना, वो सही नहीं है। क्या रहा? वो तो वो मतलब फेल है, उसको कहा जाएगा। अगर उसको कहा जाए कि पूजा बाजार फेल है, तो उसको पूजा बाजार फेल है। देखिए, जैसा हम लोग तैयारी किए थे, पिछले बार कारोबार तो बहुत अच्छा था दुर्गा पूजा का, और काफी भीड़ भाड़ भी इस मार्केट में हुआ करता था। इस बार उसी हिसाब से हम लोग तैयारी भी किए थे, लेकिन 50% डाउन हो गया। वो साल गुजरा है, 18-20 साल से है, ऐसा स्थिति नहीं देखे हम लोग कभी भी। 25% भी नहीं रहा कपड़े धंधे में, ऑनलाइन हो गया सब कुछ, तो बहुत तरह का प्रॉब्लम हुआ। बारिश भी मार खाया बाजार से, बारिश की वजह से बाजार मार खाया। दरअसल बाजार एक दूसरे से लिंक होते हैं, एक का असर दूसरे पर पड़ता है। एक सेक्टर खुश होता है तो तालियां दूसरे सेक्टर के व्यापारी बजाते हैं, लेकिन इस बार ऑटो सेक्टर में आई मंदी के साथ ही दुर्गा पूजा के दौरान बारिश सहित कई अन्य ऐसी वजहें हैं जिससे बाजार प्रभावित रहा। व्यापार हुआ जरूर, लेकिन इसका प्रतिशत काफी कम रहा। जिस हिसाब से बाजार में पूंजी आई, उस हिसाब से बिक्री हुई नहीं। नोटबंदी हुई थी और GST को इतना डिफिकल्ट कर दिया गया कि हर व्यापारी परेशान है। वो एक अकाउंटेंट हायर नहीं कर सकता, और उसको कॉमन एक जो व्यापारी है, जो आप देख रहे हैं मार्केट में बैठा हुआ, वो नहीं कर सकता है उसकी एंट्री। उसकी एंट्री के लिए एक एक्सपर्ट अकाउंटेंट चाहिए। अब हर व्यापारी तो उसको कर नहीं पाएगा। दूसरी वजह यह है कि बहुत सारे सेक्टर्स जो हैं, जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर में काफ़ी गिरावट आई, बहुत सारी इंडस्ट्रीज बंद हो गई, हौजरी सेक्टर्स में काफ़ी गिरावट आ गई, वहाँ भी बहुत सारे जॉब कट हुए हैं, तो उसका इफेक्ट तो मार्केट में आना ही है, क्योंकि इकोनॉमिकल साइकिल जो है वो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। अगर एक जगह पे इफेक्ट आता है तो ऑब्वियस है कि दूसरे को भी इफेक्ट करेगा ही। वो राजधानी रांची में जूते चप्पल का लॉट जयपुर और आगरा से आता है, जबकि व्यापारी कपड़े कोलकाता या दिल्ली से मंगवाते हैं। माल आया जरूर, लेकिन ग्राहकों के घर की शोभा ये वस्तुएं बन नहीं पाई। ऊपर शेरवानी, भीतर परेशानी, मार्केट का फिलहाल यही हाल है। दुर्गा पूजा फीका रहा, अब उम्मीदें दीपावली और धनतेरस पर जा टिकी है। देखना होगा मार्केट को संजीवनी बूटी कब तक मिल पाता है। कैमरा पर्सन हरे कृष्णा के साथ अजय लाल, न्यूज 11 रांची।